औरैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले दो अभियुक्तों को औरैया पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए अभियुक्तों से दर्जनों अवैध शस्त्र किए बरामद। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में भेजा जेल। अवैध शस्त्र फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सप्लाई करने वालों की कर रही है औरैया पुलिस तलाश। ठीक है, भंडाफोर के लिए क्या मामला है? देखिए, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक लंबे समय से चलने वाली शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें सूचना हमारे द्वारा संकलित की जा रही है अभी कि कहां कहां और कितने समय से ये कार्यरत था और कितने लोगों को इन्होंने असला अपना बेचा है, परंतु एक व्यावसायिक रूप में ये काम कर रहे थे। पूर्व में जो इनमें से एक अभियुक्त है वो 2006 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे में जेल गया है, 2012 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे में जेल गया है। इसके साथ ही उस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी 2011 में कार्रवाई की गई है और लगातार तब से जो सूचना इनके द्वारा बताई गई है, ये शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, बड़ी संख्या पे करते थे, ऑन डिमांड करते थे। और इसका एक साथी है, ये भी पकड़ा गया है। इसमें ये शस्त्र बनाने में एवं शस्त्रों की सप्लाई करने में इसका सहयोग करता था। जो दो लोग पकड़े गए हैं उनका नाम है राजकुमार शर्मा और शिव शंकर उर्फ कल्लू यादव, और करीब दर्जन भर असले इनके पास से बरामद हुए हैं जो शस्त्र फैक्ट्री ये संचालित कर रहे थे। इसके साथ ही जो भी इक्विपमेंट यूज़ होता है शस्त्रों को बनाने में और जो स्प्रिंग्स यूज़ होती हैं, चाहे वो बैरल्स यूज़ होते हैं, जो अधनिर्मित तमंचे हैं, वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका कहना है कि 2 से 1 दिन में ये एक तमंचे का निर्माण कर लेते थे और जहाँ से ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी हमारे द्वारा तस्दीक किया गया है, उस पर भी आगे पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। और जो दोनों अभियुक्त हैं उनको सुसंगत धाराओं में न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। चूँकि ये एक बहुत ही संगठित तरीके से काम हो रहा था और लंबे समय से जनपद में और आसपास के जनपदों में इनके द्वारा शस्त्रों की सप्लाई की जा रही थी, तो ये जो टीम जिसने गुड वर्क किया है उसको मेरी तरफ से 15,000 रुपये का नकद इनाम की भी घोषणा की गई।